हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज़ फ्रॉम एरन किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चने दाल की बिल्कुल मसालेदार नमकीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक कप चना दाल ले लिया है, आप उतना ले लीजिए जितने की आपको नमकीन बनानी है। इस चने दाल को बिल्कुल अच्छे से हम लोग धो लेंगे और उसके बाद 3 से 4 घंटे तक पानी में इसे भिगो करके रख लेंगे। तो चलिए इसे धोकर भिगो कर रख लेते हैं। 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद अब हम इसे किसी चलनी में इस तरीके से डाल करके चने की दाल को सारा पानी निकाल लेंगे। उसके बाद एक सूती कपड़े पर इस दाल को हम लोग बिछा करके पंखे के नीचे 1 से 2 घंटे तक इस दाल का पूरा पानी सुखा लेंगे, ताकि ऊपर से सारा पानी सूख जाए और ये दाल बिल्कुल सूखी सूखी सी लगे। ये देखिए, दाल बिल्कुल, इसका पानी ऊपर से बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसे नमकीन बनाना स्टार्ट करेंगे। नमकीन बनाने के लिए आपको किसी गहरे बर्तन में तेल लेना है। यहाँ मैंने एक कटोरी का इस्तेमाल किया है, इसमें मैं आधी से ज़्यादा कटोरी को तेल से फिल कर दूँगी। और उसके साथ साथ हमें एक स्ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये छोटे स्ट्रेनर का यूज़ किया है, आपके पास बड़ा हो तो आप उससे भी यूज़ कर सकती हैं, चाय छानने वाली छन्नी। आप कटोरी की जगह कढ़ाई या किसी बड़े बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इतना चाहिए तेल कि इसमें ये मेरा पूरा छन्नी डिप हो जाए। इस तेल को बिल्कुल गर्म करेंगे और इन द मीनवाइल हम अपने इस छन्नी को इससे फिल कर लेंगे। तेल को हम पहले पूरा गर्म कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फ्लेम को मीडियम लो पे सेट कर लेंगे और उसके बाद अपने चने के दाल की नमकीन बनाने के लिए इस चने को तलना शुरू करेंगे। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसका फ्लेम मीडियम लो पे सेट करेंगे। इस तरीके से दाल को छन्नी में ले करके सिर्फ इसके अंदर मुझे डिप करना है। इस तरीके से मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ और थोड़ी ही देर में इसमें ढेर सारे बबल्स आएंगे। और जब ये तल के तैयार होने लगेगा तो यूँ हिलाने पर, देखिए ये अभी हिलाने पे दाल बहुत हिल नहीं रहे हैं, चिपके हैं, लेकिन जब ये कम्प्लीटली तल के तैयार हो जाएंगे तो सारे दाल आपस में खर खर की आवाज़ के साथ हिलने लगेंगे। तो इसे तलने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे यूँ ही तल लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अलग अलग होने लगे हैं। तलने के बाद ये खुद ब खुद ही ऊपर आने लगते हैं दाल सारे। और ये देखिए, आपको जैसा गहरा रंग चाहिए, थोड़े से रेडिश आपको चाहिए तो देर तक तलिए, कम चाहिए तो आप इसे हल्के ही रंग में छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये दाल बिल्कुल तल के रेडी हो चुका है, ये देखिए। और अब इन्हें हम एक किचन टावल पे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे दाल को तल लेंगे। ये देखिए, सारी नमकीन बिल्कुल तल के रेडी हो चुकी है। हल्का गर्म हो रहने पे ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि ये चाट मसाला, जीरा पाउडर और ये लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने तीखेपन के टेस्ट के हिसाब से जितना ऐड करना चाहें उतना ऐड कर लीजिए। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने पर हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसी स्पाइसी नमकीन हमारी बन करके, चना दाल की ये नमकीन बन करके बिल्कुल रेडी है।